शादियों का सीजन एक बार फिर से शुरू हो गया है और शादी विवाह से जुड़ी कई तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक ऐसी ही अनोखी शादी की खबर सामने आई है। यहां 10 बच्चों की मां को एक कुंवारे युवक से इश्क हो गया, जिसके बाद गांव वालों ने दोनों की शादी करा दी। दरअसल गोरखपुर के ददरी गाँव में 42 साल की महिला का दूसरा विवाह गाँव वालों ने उसके प्रेमी के साथ करा दिया है। बताया गया है कि महिला के पहले पति की बीमारी के चलते मृत्यु हो चुकी है। पहले पति से महिला के 10 बच्चे थे, जिनमें 4 बेटियां और 6 बेटे शामिल है। पति के मरने के बाद 10 बच्चों की जिम्मेदारी महिला सोनी देवी के कंधों पर आ गई थी। सोनी देवी की सबसे बड़ी बेटी की उम्र 22 साल है। पति की मौत के बाद विधवा सोनी देवी किसी तरह स्थानीय गुरुकुल पीजी कॉलेज में छोटा मोटा काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगी। इसी बीच देवरिया जिले के नकलई गांव के रहने वाले बालेदर की मुलाकात सोनी देवी से हुई और देखते ही देखते उम्र के इस पड़ाव पर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों पिछले 5 साल से एक दूसरे से मिलजुल रहे थे। इसके बाद कुछ लोगों ने उनके संबंधों पर आपत्ति जताई तो इस पर गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि क्यों ना इन दोनों की शादी करा दी जाए। लिहाजा इससे इनके साथ साथ अनाथ 10 बच्चों को भी पिता का प्यार और उसकी छत्र छाया मिल जाएगी। जिसके बाद पंचायत ने फैसला लिया और गांव वालों ने इन दोनों की शादी विधि विधान से करा दी। अब इस पूरे मामले की हर जगह चर्चा हो रही है। वहीं लोग इस नेक कार्य के लिए गांव वालों की प्रशंसा भी कर रहे हैं। शुक्रवार को शिव मंदिर पर सोनी और बालेदर का विवाह करवा दिया गया और साथ ही इन्हें विदाई में गांव वालों की तरफ से महंगे उपहार भी दिए गए। बताया जा रहा है कि इससे पहले महिला अपने बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी किसी काम को लेकर। जब वह गांव में दोबारा वापस लौटी, तब जाकर ग्रामीणों ने उन्हें रोका और विधि विधान से उनकी शादी कराने का फैसला लिया। आपको बता दें कि स्थानीय पीजी कॉलेज के प्रबंधक का इसमें सबसे बड़ा रोल रहा है। उन्होंने इस दंपत्ति के रहने के लिए कॉलेज परिसर में ही एक आवास मुहैया करा दिया है और साथ ही दोनों को उसी में नौकरी भी दे दी है।